इसमें एक देखो लिमिटेशन भी आती है, लिमिटेशन भी देख लेते हैं एक बार। लिमिटेशन ऑफ वीबीटी, करंट हाँ जो लिमिटेशन है इसकी, लिमिटेशन ऑफ वीबीटी। इसमें पहला है कि इसमें बहुत सारे जो हैं वो एजम्पशंस बहुत हैं, बेस्ड ऑन अ नंबर ऑफ एजम्पशंस। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट लिख लो, इट इज बेस्ड ऑन अ नंबर ऑफ एजम्पशंस। नंबर ऑफ एजम्पशंस, इसमें बहुत सारे एजम्पशंस है। लिख लिख लिया। अब इसमें देखो सेकंड पॉइंट है कि डस नॉट डिस्टिंग्विश, डस नॉट डिस्टिंग्विश, ये किस चीज को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड, बिटवीन स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड वीक फील्ड लाइगेंड्स। ठीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग लाइगेंड्स है और कौन सा वीक है, इसके बीच में ये डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता है। उसे इसको बताता है सीएफटी। ठीक है, कौन सा वीक है और कौन सा स्ट्रॉन्ग है इसको नहीं बता पाता, इसको कौन बताएगा, फिर सीएफटी बताता है। थर्ड पॉइंट है इसमें, डस नॉट क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन, क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाता, इंटरप्रिटेशन ऑफ मैग्नेटिक डेटा, मैग्नेटिक जो डेटा है उसका क्वांटिटी के बेस पे इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि इसे पता ही नहीं चलेगा कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है, तो यहाँ पे जो क्वांटिटी है उसके बेस पे इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाता है। किसका? मैग्नेटिक इसका कोई किसका? एग्जांपल है ना, एग्जांपल कोई है? एग्जाम्पल एक है लेकिन लास्ट में बताता हूँ उसे। इसमें यह है ना कि जैसे स्ट्रॉन्ग फील्ड है और वीक फील्ड है, दोनों में मैग्नेटिक मोमेंट अलग अलग आते हैं। अब जब ये बता ही नहीं पाता कि कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है, तो उसके मैग्नेटिक डेटा को कैसे बता पाएगा वो? ठीक है, आवाज आ रही है? यस सर, हाँ, मैंने कहा जब वो स्ट्रॉन्ग और वीक के बारे में ही नहीं बता पाता है, तो फिर वो उसके इंफॉर्मेशन दे नहीं पाएगा ना कि किसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, इसीलिए। फोर्थ पॉइंट आता है इसमें कि डज नॉट गिव अ क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक स्टेबिलिटीज। थर्मोडायनेमिक, थर्मो डायनेमिक्स और काइनेटिक्स, ये अब जब ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं तो वहां पे आते हैं थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक स्टेबिलिटी के, स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड।
तो ये फोर्थ है कि डज नॉट गिव अ इट डज नॉट गिव अ क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ थर्मोडायनामिक और काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यस सर। लिख लिया ये सही तो लिख लिया उन्होंने। अच्छा अब आगे है, देखो साथ साथ ही लिखते चले जाओ क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा नहीं लिखाने का। इसमें इट फेल्स टू एक्सप्लेन रिलेटिव एनर्जीज ऑफ डिफरेंट शेप्स, अलग अलग शेप की जो एनर्जीज होगी उसको भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। जैसे कोई टेट्राहेड्रल है, कोई ऑक्टाहेड्रल है, कोई ट्राइगोनल प्लेनर है वो, या ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, तो उसकी इंफॉर्मेशन, उसकी एनर्जी को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। नेक्स्ट है ये फेल करेगी क्या? हाँ, ये एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया कि किसकी एनर्जी कितनी है, किसकी ज्यादा कम क्या है। इट फेल्स टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी रिलेटिव एनर्जीज, एनर्जी किसकी कितनी है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। यस सर। नेक्स्ट है इट डज नॉट एक्सप्लेन द कलर एंड स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कलर और उसका स्पेक्ट्रल लाइंस जो होती हैं उसकी इंफॉर्मेशन नहीं दे पाया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। इट डज नॉट एक्सप्लेन द कलर एंड स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और लास्ट है इसमें इट फेल्ड टू प्रिडिक्ट द एग्जैक्ट टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इसमें देखो टेट्राहेड्रल इसमें भी चार होता है, दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर चार होता है, और ये स्ट्रॉन्ग और वीक के बारे में तो बताता ही नहीं है, तो इसीलिए इसको ये मुश्किल होता है बताना कि कौन सा टेट्राहेड्रल होगा और कौन सा स्क्वायर प्लेनर होगा। तो इन दोनों को इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाता कौन सा टेट्राहेड्रल होना चाहिए, कौन सा स्क्वायर प्लेनर होना चाहिए। तो इसको फिर आगे जो रिमूव किया था वो सीएफटी ने किया था। क्यों नहीं दे पा रहे? क्योंकि ये बता ही नहीं पाता ना कि ये स्ट्रॉन्ग लाइगेंड्स है वीक है इसीलिए। अब जब स्ट्रॉन्ग होगा तो क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग होगा तो स्क्वायर प्लेनर बन जाएगा, और अगर वीक होगा तो टेट्राहेड्रल बन जाएगा। लेकिन अगर ये बता ही नहीं पाता तो ये आगे भी नहीं बता पाएगा, इसीलिए तो मैग्नेटिक को नहीं बता पाता हो कि कौन पैरा मैग्नेटिक है, कौन डाय मैग्नेटिक है। सर लिख लिया ना। हाँ, तो ये आपका फिनिश हो गया। अब स्टार्ट करते हैं सीएफटी का। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है इसको दिया था हैंस बेथे एंड वैन लेक ने इन 1930 में।
अब इसके मेन है पोस्टुलेट्स, ठीक है, सीएफटी का पोस्टुलेट क्या है? अब इसका स्टार्ट करते हैं पोस्टुलेट को। पोस्टुलेट में देखो सबसे पहले चीज ये मानती है कि जो ये ट्रांसेंट मेटल लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड होता है वो प्योरली आयनिक होता है, जबकि पहले ने वाले ने कहा कि कोवेलेंट होता है वीबीटी ने, लेकिन ये कहता है कि जो मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है, प्योरली आयनिक होगा। मेटल लिगेंड्स के बीच में जो ये बॉन्डिंग होती है ये क्या होती है, प्योरली आयनिक। और एक वो कह रहा है कि ये कोवेलेंट होता है, कोऑर्डिनेट होता है, और ये कह रहा है कि आयनिक होता है, ठीक है। और जब आयनिक होगा तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन होता है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाता है। इंट्रैक्शन होता है किसके बीच में, बिटवीन मेटल आयन एंड लिगेंड्स, बिटवीन मेटल आयन एंड लिगेंड्स। मेटल आयन और लिगेंड्स के बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। क्यों, क्योंकि वो कहता है इसमें ये जो प्योरली आयनिक होता है, प्योरली आयनिक यानी 100% लगभग आयनिक बॉन्ड बनेगा इसमें, ये फर्स्ट पॉइंट होगी। मेटल आयन और सेंट्रल एटम, हाँ मेटल आयन और लिगेंड्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि आयनिक की वजह से जहां पे भी आयन्स होंगे वहां पे कौन सा फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। इसीलिए सर लिख दिया मैंने, लिख लिया। अब सेकंड पॉइंट आता है इसमें, सेकंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट ये कहता है कि जो लाइगेंड्स होता है, लाइगेंड जनरली किसकी तरह ट्रीट करेगा, आर ट्रीटेड एज पॉइंट चार्जेस, पॉइंट चार्जेस। लाइगेंड होते हैं जो पॉइंट चार्जेस होते हैं, इन द केस ऑफ एनायन, इन केस ऑफ एनायन, अगर एनायन होगा तो पॉइंट चार्ज की तरह होगा, और अगर न्यूट्रल होगा तो पॉइंट डाइपोल की तरह होगा, डाइपोल, पॉइंट डाइपोल इन केस ऑफ, इन केस ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल, ठीक है। ये ऐसा क्यों बोल रहा है, इसलिए कह रहा है कि जनरली जो, अब जब ये आयनिक बॉन्ड होगा तो मेटल में होगा प्लस चार्ज, अब जब मेटल में प्लस चार्ज है तो जो आपका लिगेंड से उसमें नेगेटिव होना चाहिए। अब मैंने कहा नेगेटिव में दो तरीके के नेगेटिव होते हैं, एक होता है हमारे पास एनायन और एक होता है हमारे पास न्यूट्रल, ठीक है। तो एनायन में तो क्लियर कट आपको नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, तो ये नेगेटिव क्या करेगा, अप्रोच करेगा पॉजिटिव की तरफ, ठीक है, तो इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा। लेकिन जो न्यूट्रल होगा, अब ये न्यूट्रल है H2, ये तो न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल और मेटल के बीच में कैसे बॉन्डिंग होगी। एनायन में तो है कि ये पॉइंट चार्ज है, ठीक है, पॉइंट चार्ज है, बिल्कुल क्लियर कट दिख रहा है माइनस चार्ज, तो ये अट्रैक्शन हो जा रहा है। लेकिन न्यूट्रल मॉलिक्यूल के केस में कैसे होगा ये अट्रैक्शन, न्यूट्रल के बीच में कैसे होगा अट्रैक्शन, उसके साइज के वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स छोटा होता रहेगा, नहीं इसे लिख लिया लाइन को पहले, लाइगेंड्स इसमें ट्रीट करता है एज अ पॉइंट चार्ज, हाँ ये लिख लिया, लिख लिया। अब इसमें देखो जो न्यूट्रल होगा जैसे H2O है, NH3 है, ये न्यूट्रल होते हैं, ठीक है, ड्राइंग नहीं बनाई थी, हैं ये ड्राइंग नहीं बनाई थी मैंने पूरी, अच्छा अच्छा एक मिनट आ जाएगा फिर।
बस एक सेकंड, ये क्या लिखा हुआ? एम मेटल, एम प्लस चार्ज, और लिगेंड से माइनस चार्ज। ये जो प्लस चार्ज है ये वाला और नेगेटिव दोनों जा रहे हैं सीएन की तरफ। हाँ, जैसे मेटल है ना, मेटल है प्लस चार्ज, तो प्लस की तरफ कौन अट्रैक्ट होगा? माइनस। अब माइनस में देखो, हाँ लिगेंड्स है जो माइनस चार्ज का भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। अब माइनस में तो क्लियर कट माइनस अटैक करेगा ना, लेकिन न्यूट्रल में कैसे आएगा वो? हाँ ये सर ठीक है, सॉरी ठीक है। हेलो हाँ बोलो बोलो, लिख लिया। यस सर। अच्छा अब देखो, ये तो मैंने आपको बताया कि जब वो था क्या, ये अब यहाँ पे हमने ये लिख दिया, इसमें क्या होगा? H2 और NH3 में हाँ ये अट्रैक्शनों का फोर्स हो। अब यहाँ पे जो लिगेंड अप्रोच करता है, देखो नेगेटिव से तो क्लियर है कि नेगेटिव नेगेटिव आयन्स की तरफ से अप्रोच करेगा, लेकिन न्यूट्रल के केस में क्या होगा? जो वो कहता है जो न्यूट्रल होगा उस केस में क्या होता है कि जहां पे ये इलेक्ट्रॉन है ये अप्रोच करते हैं, तो इसे कहते हैं डाइपोल चार्ज। वो इसमें है जो आपके पास क्या है, पॉइंट डाइपोल्स, इसको क्या बोलते हैं? पॉइंट डाइपोल। इसके लिए एक वर्ड यूज करता है, पॉइंट डाइपोल। ठीक है, ये जो डायपोल है जहां पे ये इलेक्ट्रॉन लोन पेयर, अब ये यहां से अप्रोच करेगा इसकी, क्योंकि इसको क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से देगा ना इसको, इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल को, हाँ है ना? तो वो कह रहा है कि अब ये किसकी तरफ से अप्रोच करेगा सेंट्रल मेटल को? इस लोन पेयर की तरफ से। आया कि नहीं आया समझ में वाला? यस सर। क्योंकि इसको क्या चाहिए? इसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, हाँ सेंट्रल मेटल को तो क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब ये इलेक्ट्रॉन चाहिए, या तो क्या होगा कि अगर नेगेटिव चार्ज, जैसे सीएल माइनस है तो क्लियर कट नेगेटिव प्लस को अट्रैक्ट करेगा, लेकिन अगर न्यूट्रल आ जाएगा तो कह रहा है कि जो न्यूट्रल होगा इसमें कहीं पे लोन पेयर होगा, तभी तो लिगेंड चाहिए। लिगेंड्स का मतलब जो लोन पेयर को डोनेट करेगा, तो इसका मतलब अब ये जो ये लोन पेयर होगा ये इधर से अप्रोच करेगा इसे, तो इसे कहते हैं यहाँ पे पॉइंट डाइपोल। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? पॉइंट डाइपोल। तो ये पॉइंट डाइपोल की तरफ से अप्रोच करेगा किसको? सेंट्रल मेटल एटम को। हाँ ठीक है, हाँ। यस सर। तो इसका थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा कि नेगेटिव पार्ट ऑफ एनायन, या एनायन अप्रोच किससे? फ्रॉम इट्स नेगेटिव पार्ट टूवर्ड्स सेंट्रल मेटल एटम। जो एनायन होगा क्या होगा? वो नेगेटिव पार्ट से अप्रोच करेगा किसको? सेंट्रल मेटल एटम को। सेंटर जबकि जो न्यूट्रल है वो किसकी तरफ से करेगा? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसे हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं? पॉइंट डाइपोल। ठीक है, पॉइंट डाइपोल। तो क्या कहेंगे? व्हाइल न्यूट्रल मॉलिक्यूल अप्रोचेस सेंट्रल मेटल एटम थ्रू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और पॉइंट डाइपोल। पॉइंट डाइपोल इसमें लिखना क्या है? नेगेटिव पार्ट ऑफ आयन टुवर्ड्स द नहीं नहीं सेंट्रल नहीं मेटल इसको एटम। यहां से कर दो, एनायन, हाँ नेगेटिव पार्ट, एक मिनट, एनायन अप्रोचेस टुवर्ड्स द सेंट्रल मेटल एटम थ्रू नेगेटिव पार्ट, व्हाइल जो एनायन होगा उस सेंट्रल मेटल एटम की तरफ अप्रोच करेगा किससे? नेगेटिव पार्ट से। व्हाइल जो न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल कैसे अप्रोच करेगा? न्यूट्रल मॉलिक्यूल अप्रोच टू सेंट्रल मेटल एटम थ्रू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और पॉइंट डाइपोल्स। एनायन अप्रोचेस सेंट्रल मेटल एटम। हाँ थ्रू नेगेटिव पार्ट्स।
और व्हाइल न्यूट्रल मॉलिक्यूल अप्रोचेस टुवर्ड्स सेंट्रल मेटल एटम थ्रू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और पॉइंट डाइपोल. थ्रू सेंट्रल एटम मेटल एटम ऑन व्हाइल न्यूट्रल एटम टूवर्ड्स, हाँ, अप्रोचेस सेंट्रल अप्रोचेस मेटल एटम थ्रू थ्रू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और पॉइंट डाइपोल्स. यस सर. अब फिर नेक्स्ट आता है कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लाइगेंड फील्ड, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लाइगेंड फील्ड डीजेंडेसी. एक वर्ड आता है यहाँ पे, डीजेंडेसी का मतलब पता है आपको क्या होता है? डीजेंडेसी ऑफ द डी ऑर्बिटल. मतलब छोटा होना. नहीं, इक्वल, इक्वल एनर्जी. सबकी इक्वल एनर्जी क्या होती है? इक्वल एनर्जी होती है वो क्या होती है? डिस्टर्ब्ड हो जाती है. डिस्टर्ब्ड हो गई जो इसकी इक्वल एनर्जी थी वो क्या हो गई? डिस्टर्ब्ड हो गई. एंड इट स्प्लिट अप इनटू टू एनर्जी लेवल. ये स्प्लिट हो जाता है, स्प्लिट अप इनटू टू एनर्जी लेवल, टू एनर्जी लेवल. ठीक है, ये दो एनर्जी लेवल में हो गया. जैसे ये है आपके पास, पहले डी जेंडेसी मेंटेन है ना, सबकी एनर्जी सेम है. ठीक है, अब जैसे लिगेंड्स इसके पास आया, ये दो ऑर्बिटल में ब्रेक डाउन हो गया. एक को कहते हैं टी ई जी और एक को कहते हैं टी टू जी. एक को कहते हैं ई जी और एक को कहते हैं टी टू जी. तो ये इसके बोलने का मतलब है, जैसे ये लिगेंड से अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लिगेंड्स फील्ड, जैसे लिगेंड्स यहाँ पे आया, जो ये डी ऑर्बिटल है किसका, सेंट्रल मेटल एटम का, वो क्या हुआ? स्प्लिट अप हो गया, ब्रेक डाउन हो गया. ठीक है, किसमें ब्रेक डाउन हो गया? टू ऑर्बिटल में, टू एनर्जी लेवल में. एक को कहते हैं ई जी और एक को कहते हैं टी टू जी. हाँ. लिखिए लिख लिया ना? अब देखो, इसके बाद नेक्स्ट आता है जो ईजी होता है. ईजी में कितने ऑर्बिटल होते हैं? दो. हाँ, दो ऑर्बिटल होते हैं. ठीक है, और ये कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर. दैट इज ईजी हैव टू ऑर्बिटल, दैट इज डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर. और थ्री में इसमें तीन ऑर्बिटल होते हैं, दूसरे वाले में एक्स हाँ, स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक और होता है. डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड, हाँ, डी एक्स वाई जेड, डी एक्स ये वाई तीन हो गए. होता. और इसकी एनर्जी कितनी इंक्रीज और कितनी डिक्रीज होती है, कितनी एनर्जी में चेंज होता है? ये मुझे याद नहीं है. जब टी टू जी जाते हैं तो इसमें क्या होता है, जो एनर्जी चेंज होता है वो होता है आपके पास 3/5 यानी 0.6. और जो टी टू जी होता है इसमें जो एनर्जी चेंज होता है 2/5 यानी 0.4. ये है इसका.
इसके बाद क्या होता है, अगर ये स्प्लिटिंग होता है तो इसकी एक डिफाइन होती है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, सॉरी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, बस क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, ठीक है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का मतलब होता है कि स्प्लिटिंग ऑफ, स्प्लिटिंग ऑफ डीजेनरेट डी ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिगेंड्स इज कॉल्ड सी एफ एस, इज कॉल्ड सी एफ एस, यानी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, ठीक है। स्प्लिटिंग का मतलब टूट जाना, जैसे ये लिगेंड्स आएगा ये टूट जाएगा, तो इसे कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। लिख लिया, लिख लिया, तो ये आपका हो गया सीएफटी। अब देखो सीएफटी आपके लिए दो का होता है, एक होता है आपका ऑक्टाहेड्रल के लिए और एक होता है टेट्राहेड्रल के लिए, ठीक है। तो ये पहला आप करोगे इसमें सीएफटी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ऑक्टाहेड्रल के लिए क्या होगा, सीएफटी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक। ऑक्टाहेड्रल के लिए क्या होता है कि पहले तो जो डी ऑर्बिटल होता है, देखो इसको ऐसे दिखाते हैं यहाँ पे, जैसे डी ऑर्बिटल तो ये आइसोलेटेड स्टेट में, तो इसकी डी जेनरेसी होती है, ये है आपका डी जेनरेट, डी जेनरेट डी ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। तो डी जेनरेट का मतलब क्या होता है, सेम एनर्जी, ठीक है। तो इसमें जो एनर्जी डी ऑर्बिटल के सारे ऑर्बिटल की होती क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या हो जाएगा कि एट आइसोलेटेड एटम, एट आइसोलेटेड सेंट्रल मेटल एटम, आइसोलेटेड सेंट्रल मेटल एटम, द डी ऑर्बिटल ऑफ, डी डी ऑर्बिटल इज डीजेनरेटेड, डी जनरेटेड, ठीक है। डी जनरेटेड का मतलब सबकी इक्वल क्या है, एनर्जी है, ठीक है, इक्वल एनर्जी है। तो पहला पॉइंट ये हो गया। एक सेकंड बस, थोड़ा सा
लिख लिया। अब क्या होता है देखो, अब जैसे लिगेंड्स अप्रोच करता है इसमें, ठीक है, सेकंड स्टेप में क्या होगा, लिगेंड क्या करेगा, अप्रोचेस टूवर्ड्स सेंट्रल मेटल एटम। अब जैसे लिगेंड्स इसकी तरफ अप्रोच करेगा, किसकी तरफ, सेंट्रल मेटल एटम की तरफ, तो क्या होगा, इट्स एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल बिकम हाई बट डीजेनरेसी डीजेनरेसी विल बी मेंटेन, ठीक है, मेंटेन रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। जैसे क्या होगा, जैसे ये था आपके पास पहले, ये सेंट्रल मेटल एटम है, ठीक है, तो ये सेंट्रल मेटल एटम का डी ऑर्बिटल है, ये तो आइसोलेटेड स्टेट में था। अब जैसे यहाँ पे क्या हुआ, लिगेंड्स ने अप्रोच किया, तो लिगेंड्स अप्रोच करने के बाद इसकी एनर्जी हाई हो जाएगी, तो ये ऐसे चले जाएगा, ठीक है, लेकिन अभी भी डीजेनरेसी क्या होगी, मेंटेन होगी। जैसे लिगेंड्स अप्रोच करेगा, इसके बाद भी जो डीजेनरेसी इसकी मेंटेन रहेगी, लेकिन इसकी एनर्जी क्या हो गई, हाई हो गई, डी जेनरेसी, ठीक है, डी जेनरेसी क्या रहेगी, इसकी मेंटेन रहेगी, लेकिन इसकी एनर्जी क्या हो गई, हाई हो गई पहले से, ठीक है। तो ये यहां था पहले नीचे, अब ऊपर पहुंच गया, तो ये एनर्जी लेवल का डायग्राम है, पहले एनर्जी ये थी, अब इसकी एनर्जी हाई हो गई, ठीक है। तो वो हाई किसकी वजह से हुई होगी, किस चीज की वजह से एनर्जी हाई हुई हुई होगी, इसकी हाँ, इस डी ऑर्बिटल की जो एनर्जी हाई हो गई, क्यों हो गई होगी, ये लाइग्रेंट जब आया उसके पास इसकी वजह हाँ, जो लाइगेंट्स आएगा, तो लाइगेंट्स के आने से क्या हुआ, रिपल्सन होगा, ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, रिपल्सन। देखो ये इलेक्ट्रॉन है और लाइगेंट में नेगेटिव चार्ज होता है, तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, रिपल्सन होगा, और जब इन दोनों के बीच में रिपल्सन होगा, तो रिपल्सन की वजह से एनर्जी क्या होती है, हाई हो जाती है, तो ये हाई पहुंच गया, ठीक है। तो सेकंड स्टेप ये बता रहा है कि जैसे लिगेंड दूर से आने लग गया, तो उसके इन्फ्लुएंस से, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लिगेंड्स क्या हुआ, इसकी एनर्जी क्या हो गई, एनर्जी लेवल हाई हो गया, किसका, डी ऑर्बिटल, लेकिन अभी भी ये टूटा नहीं है, इसे लिख लो, ये डायग्राम ही बना था। हाँ, नहीं अभी नहीं, बाद में बनाना है, इसे एक साथ ही बनाना सारा, लिखना है बस ये सेकंड स्टेप, बिल्कुल लिख लिया। अब इसमें देखो थर्ड पॉइंट, अब देखो जो ऑक्टाहेड्रल होता है, इसमें जो लिगेंड्स अप्रोच करता है, वो लिगेंड्स कैसे अप्रोच करेगा, अगर जो क्या है आपका टेट्रा ऑक्टाहेड्रल है, उसमें जो लिगेंड अप्रोच करता है, वो करता है अलोंग द एक्सिस, ठीक है, तो अब क्या होगा, लिगेंड्स कम मोर क्लोजर, मोर क्लोजर, अभी और पास आ गया, यानी कि, लेकिन ये कैसे आएगा, थ्रू बिटवीन द, सॉरी अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस, ध्यान रखना, अब ये कैसे अप्रोच करेगा, अलोंग द एक्सिस करेगा, ठीक है, जब अलोंग द एक्सिस करेगा, तो किसकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, उसकी ई ईजी की या T2G की, जी ईजी की, हाँ, क्योंकि ईजी में अलोंग द एक्सिस होता है, ठीक है, तो जो ये अब है, ये और ज्यादा क्लोज आ जाएगा, ठीक है, और वो भी अलोंग द एक्सिस, तो ध्यान रखना ऑक्टाहेड्रल में हर हमेशा अलोंग द एक्सिस आता है, ठीक है, तो जब ऑक्टाहेड्रल में हर हमेशा अलोंग द एक्सिस आता है, की हाँ, तो अब क्या होगा कि उसकी एनर्जी और ज्यादा, इसकी क्या होगा, अब यहाँ पे जो डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल ऑफ
सेंट्रल मेटल एटम क्या होगा, स्प्लिट अप इनटू टू पार्ट, इनटू टू कैटेगरीज या टू सेट्स, ठीक है, दो सेट में टूट जाएगा, ईजी एंड टी2जी। अब टूट गया ये, ठीक है, जैसे ही और पास आएगा और वो भी कैसे अलोंग द एक्सिस आया, वैसे ही स्प्लिट होगा टू पार्ट में, ठीक है। और यहाँ पे किसकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, एनर्जी ऑफ ईजी इज ग्रेटर देन, एनर्जी ऑफ ईजी इज ग्रेटर देन टी2जी। नेक्स्ट पॉइंट बना लो इसे, फोर्थ, एनर्जी ऑफ ईजी इज ग्रेटर देन टी2जी। क्यों हो जाएगी ज्यादा, क्योंकि जिधर से आएगा उधर रिपल्शन ज्यादा होगा, ठीक है, बिकॉज बिकॉज मोर रिपल्शन, रिपल्शन इज फेल्ट बाय ईजी, ईजी ज्यादा रिपल्शन फील करेगी, ठीक है, तो ईजी में रिपल्शन ज्यादा होगा इसलिए उसकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, जिसका रिपल्शन ज्यादा होगा उसकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, ये लिख लो। फिर अब फिर इसके बाद डायग्राम बनाना है बस, अब तीनों डायग्राम एक साथ बन जाएंगे। सर ये भी लिख लिया मैंने, लिख लिया ना। अब देखो, अब बनाना डायग्राम, कि सबसे पहले आपने दिखाना है पांच ऑर्बिटल थे लेकिन डी जनरेसी मेंटेन थी, कब, आइसोलेटेड में। फिर जैसे लिगेंड ने अप्रोच किया तो दिखाना कि यहाँ पे लिखना है लिगेंड अप्रोचेस टुवर्ड्स सेंट्रल मेटल एटम, अब इसकी एनर्जी इंक्रीज हुई, बढ़ गई, लेकिन डी जनरेसी अभी भी मेंटेन है। अब जैसे ये और पास आएगी तो क्या हुआ, अब ये स्प्लिट अप हो गया टू पार्ट में, ठीक है। अब जिसकी एनर्जी ज्यादा उसे कहते हैं ई जी, और जिसकी एनर्जी कम है उसे कहते हैं टी टू जी, ठीक है। और ये मेन पॉइंट है, तो कितनी ज्यादा और कितनी कम हुई, तो ये देखो ये कम हो गई, ये कम हुई 2/5 यानी कि 0.4, और ये कितनी हो गई, ये कितनी बढ़ गई, ये हो गई 3/5 यानी इसको कहते हैं 0.6, ये ठीक है। और ये वन ये ट्राइंगल ओ इज इक्वल टू होता 10°, ठीक है, ये एनर्जी की यूनिट होती है। तो अब इस तरीके से दिखाना है, ये डी ऑर्बिटल कब था, ऑफ सेंट्रल मेटल एटम था, जब ये आइसोलेटेड था, अलग से था। फिर क्या हुआ, जैसे इसमें लिगेंड्स ने अप्रोच किया, ठीक है, तो इसकी एनर्जी बढ़ गई, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, डी जेनरेसी इसकी तब भी क्या रही, मेंटेन रही, डी जेनरेसी मेंटेन रही, ठीक है। लेकिन अब जैसी और ज्यादा ये क्लोज आ गए, कम क्लोजर, ठीक है, और वो भी कैसे, अलोंग द एक्सिस, ये कैसे अप्रोच कर रही है, अलोंग द एक्सिस। तो जैसी अलोंग द एक्सिस आएगी, जो अलोंग जाए, ये दोनों के दोनों जो ऑर्बिटल होते हैं ये होते हैं अलोंग द एक्सिस, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, और ये होते हैं बिटवीन द एक्सिस, ये होते हैं बिटवीन द एक्सिस, ठीक है। तो बिटवीन द एक्सेस की एनर्जी कम हो जाएगी, अलोंग द एक्सेस की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। तो ये इसका डायग्राम बन गया। ये सर लिख लिया, लिख लिया ना। तो ये हो गया आपका ऑक्टाहेड्रल के लिए, ऐसे ही आता है सीएफटी फॉर टेट्राहेड्रल के लिए, सेम हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड सारे ये वाला कौन से पॉइंट के लिए था, है ये वाला कौन से पॉइंट के लिए था, पहले था ऑक्टाहेड्रल के लिए, जो अभी तक लिखा है वो सब ऑक्टाहेड्रल के लिए था, अब है टेट्राहेड्रल, हाँ अब आता है टेट्राहेड्रल का, पहले ऑक्टाहेड्रल का था अब टेट्राहेड्रल का था। तो टेट्राहेड्रल में देखो वही करना है सेम,
इसमें क्या होगा, कहाँ चेंज होगा, पहले इसकी भी डिजेनरेसी मेंटेन है पहले वाले में, जैसे लिगेंड से अप्रोच करेगा तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट सब सेम रहेंगे, फिर क्या होगा, अभी भी डिजेनरेसी मेंटेन है, जैसे ही और पास आएगा बस आपको क्या चेंज करना है, एक यहाँ पे कैसे लिगेंड अप्रोच करेगा बिटवीन द एक्सेस, बस जहां पे आपने क्या लिखा था अलोंग द एक्सेस वहां पे क्या लिखना है अब बिटवीन द एक्सेस, बस बाकी कुछ नहीं करना, ठीक है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। यहाँ से ये एनर्जी होगा, ये यहाँ पे जाएगा 3/5 या 0.6, और यहाँ पे जाएगा 0.4 या इसे कहते हैं 2/5, ठीक है, बस सब कुछ सेम है, तो इसको लिख लो, बस एक चेंज करना है क्या, जहाँ पे आपने क्या लिखा था अलोंग द एक्सिस वहां पे क्या लिखना है अब लाइगेंड कैसे अप्रोच करेगा बिटवीन द एक्सिस, बस बिटवीन द एक्सिस करेगा तो इसकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, इसकी कम हो जाएगी। ठीक है, बस एक चेंज कर देना, जहां पे लिखना था आपने कि जो लाइगेंड से अप्रोच करेगा अलोंग द एक्सिस वहां पे लिख देना है बिटवीन द एक्सिस, तो बिटवीन द एक्सिस करेंगे तो जो बिटवीन वाले हैं ये तीनों बिटवीन वाले हैं तो इनकी एनर्जी क्या होगी ज्यादा हो जाएगी, और ये है अलोंग द एक्सिस इनकी एनर्जी हो जाएगी कम, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। यस सर, और ये डायग्राम बना देना इसमें, बना लिया। हो गया, तो ये टेट्राहेड्रल का हो गया, ठीक। यस सर, अब इसमें आता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, स्प्लिटिंग एनर्जी CFSE, हो जाएगी मतलब 5 या 8 मिनट। क्या कह रहे हो? वो मैं कह रहा था कल से आप क्लास मतलब 5:30 से 6 तक, या 5 से 6, 5:30 से 6:30 या 5 से 6 तक हो जाएगी। हाँ, वो फिजिकल सर कह रहे कि वो थोड़ा जल्दी आ जाएंगे तो ठीक है ठीक प्रॉब्लम हो रही होगी शाम को है ठीक ठीक है, तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी एक ही चीज है, ठीक है, आने। यस सर, स्टेबलाइजिंग एनर्जी या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक, दोनों एक ही है। इसमें क्या होता है, देखो स्टेबलाइजिंग एनर्जी है, स्प्लिटिंग एनर्जी कैसे होती है, इसमें होता है द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन, इसकी डिफाइन क्या हो जाएगी, द एनर्जी डिफरेंस, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू सेट ऑफ डी ऑर्बिटल्स, दोनों डी ऑर्बिटल इन दोनों की एनर्जी का डिफरेंस, ये क्या होता है CFSE हो जाता है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू सेट ऑफ डी ऑर्बिटल्स, ठीक, इसको लिख लो आप, इसकी डिफरेंस CFSE की। लिख लिया, आप देखो अब निकालना कैसे, इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, जैसे मैंने कहा CFSE बताओ किसके लिए, फॉर ऑक्टाहेड्रल के लिए, ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल के लिए कैसे बताएंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, देखो ऑक्टाहेड्रल के लिए फॉर्मूला हो जाएगा
जिसकी एनर्जी कम है वो माइनस में होता है साइन, ध्यान रखना, 0.4 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ इन T2g में, प्लस 0.6 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Ag में। इसको ऐसे निकालेंगे, अगर क्वेश्चन आता है कैलकुलेट CFSE तो ऐसे निकालना आपको, इसे लिख लो फॉर्मूले को। और अगर आता है CFSE किसके लिए, टेट्राहेड्रल के लिए, तो टेट्राहेड्रल के लिए क्या आएगा, थोड़ा सा इसे चेंज कर देना बस, CFSE में 0.6 आगे आ जाएगा बस, क्योंकि पहले 0.6 फिल होगा ना इलेक्ट्रॉन, तो इन ईजी प्लस 0.4 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2g, ये कर लेना, ठीक है, ये दोनों। लिख लिया, लिख लिया। अब देखो अलग अलग वैल्यू निकालनी पड़ेगी अब आपको, जैसे मैंने कहा ऑक्टाहेडल के लिए पहले CFSE की वैल्यू निकालेंगे हम लोग, क्योंकि क्वेश्चन में दे सकता है कि कैलकुलेट द वैल्यू, ठीक है, कैसे निकालना है देखो, पहले हम लिखेंगे D1 के लिए, ठीक, तो D1 के लिए कैसे होगा, देखो ऑक्टाहेडल में दो ऊपर होते हैं तीन नीचे होते हैं, अब इसमें एक होता है लो स्पिन एक होता है हाई स्पिन, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स और एक होता है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो लो स्पिन का मतलब कौन सा लिगेंड्स होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, ठीक, और वीक हाई फील्ड में कौन सा होता है लिगेंड्स यूज होता है, वीक, ठीक है, हाई स्पिन में वीक लिगेंड्स और लो स्पिन में स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स। अब बताओ अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल कर दिया तो कितनी वैल्यू आएगी, 0.6 माइनस का इंटू वन, यानी 0.6 माइनस का, ठीक है, ऐसे यहाँ पे भी होगा, यस ये दोनों के लिए सेम होता है, कहाँ 1 2 3 दोनों में सेम होता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल किया तो 0.6 माइनस का इंटू वन यानी -0.6, ठीक है, दोनों का सेम हो जाएगा। अगर यहाँ पे D2 हुआ तो क्या होगा, कितना आएगा बता वैल्यू, टू का मतलब दो इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी, मतलब 0.6 इंटू 0.6 इंटू 2 हो जाएगी, 1.2 आ जाएगी। माइनस, ठीक है, ये साइन है CFSE का, ऐसे सेम इसमें भी होगा वही, तो लो स्पिन और हाई स्पिन में सेम होती वैल्यू, -1.2। अगर D3 हो गया तो डबल हो जाएगी, मतलब इंटू, मतलब 1.8 हो जाएगी। हाँ, ये माइनस में आएगा, ठीक है, -1.8, यहाँ पे भी सेम होगी, ठीक है, इसमें भी सेम हो जाएगी, 1 2 3 इसे बना लो, 0.6 इंटू 3 यानी -1.8। अब चेंज कहाँ होता है, 4 to 7 में चेंज होता है बस, 4 से 7 में चेंज होगा,
हो गया? एक सेकेंड, ओके हो गया। अब ऐसे ही करना किसके लिए? अब करना 4 से 7 के लिए कैसे होगा? देखो D4 किया मैंने, ठीक है, अगर यहाँ पे लो स्पिन होगा तो लो स्पिन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? पहले पहले नीचे ही फिल होगा या ऊपर जाएगा? तो लो स्पिन में कैसे क्या होता है, पहले पेयरिंग होती है, तो यहाँ पेयरिंग होगी पहले, ठीक है, तो लो स्पिन में पहले पेयरिंग होगी, तो क्या होगा 0.6 × 4 यानी -0.4, ठीक है। और अब अगर ये हाई स्पिन है, हाई स्पिन का मतलब वीक लिगेंड्स है, तो वीक लिगेंड्स में क्या होगा, देखो वीक लिगेंड्स में इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाएगा, बस ये डिफरेंस है, इसीलिए आपको पहचानना पड़ेगा 1, 2, 3 और ये 4, तो जाएगा यहाँ पे -0.4 × 3 +0.6 यानी आंसर हो जाएगा -0.6। अब यहाँ पे चेंज हो गया देखो, ठीक है, D4 वाले केस में, D4 में चेंज होगा, D5 में चेंज होगा, D6 में चेंज हो जाएगा। D5 में क्या होगा, देखो D5 में होगा कि जो ये इलेक्ट्रॉन था 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो यहाँ पे क्या होगा 0.6 × 5 यानी कितना आ जाएगा, अच्छा सॉरी मैंने गलती कर दी ना, 4 आएगा यहाँ, यहाँ पे आना चाहिए 0.4 हाँ इंटू 4 है ना, यहाँ पे भी 0.4 × 4, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा आपका ये तो हो जाएगा -1.6 और यहाँ पे हो जाएगा -2.0। इस केस में क्या होगा, D5 में, D5 में 0 हो जाएगा है ना, यहाँ पे D5 में क्या होगा 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो क्या लिखेंगे -0.4 × 3 +0.6 × 2, तो आंसर 0। ऐसे D6, D6 में क्या होगा, ये फुली फिल्ड हो जाएगा, यहाँ पे फुली फिल्ड होगा तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी 0.4 × 6 यानी -2.4, ठीक है। और यहाँ पे जब 6 होगा तो 6 में क्या होगा, देखो अब फिर दोबारा पेयरिंग नीचे से हो जाएगी, 1, 2, 3, 4, 5 फिर 6 यहाँ जाएगा, ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा -0.4 × 4 +0.6 × 2, तो 4 4 जा 1.6 में से 1 पॉइंट तो ये हो जाएगा -0.4। देख लो, तो इसमें क्वेश्चन आता है कि CFSE निकालो, तो आपको ये निकालना पड़ेगा कितना D है, और एक चेक करना पड़ेगा वीक है या स्ट्रॉन्ग है, ऐसे D7, बस यही डिफरेंट होता है, बाकी सब सेम होते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक ऊपर चले जाएगा 7, हो जाएगा 0.4 × 6 +0.6, 24 में से 6 कम कर दो 8, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास ये ऐसे जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, तो नीचे कितने 5 है, तो 0.4 × 5 +0.6 × 2, ठीक है, 20 में से ये गया हो जाएगा 0.8। ऐसे ही हमें किसका निकालना है, D8 से लेके D10 तक पूरा निकालना है, यस सर, ठीक है, ऐसे 3 और निकाल देते हैं, लिख लिया है पूरा, लिख रहा हूँ। ठीक है।
D7 पे हूँ। अच्छा लिख लियो। अब ऐसे डी, अब D8, D9, D10 तो दोनों के लिए सेम होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपको, D8 में अगर लो होगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो D8 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दोनों के लिए सेम होगा, हो जाएगी ये 6 × 0.4 माइनस का प्लस हाँ 0.6 × 2, ठीक है। तो जगह यस सर। -1.2, ये दोनों के लिए सेम होगी, हाई या लो के लिए। ऐसे D9 में भी सेम हो जाएगा। ये तो D8 का था, D9 के लिए क्या होगा, D9 के लिए हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे हो जाएगा 0.4 × 6 प्लस 0.6 × 3, ठीक है। तो जाएगा ये -0.6। और जो D10 है इसमें भी 0 हो जाएगी वैल्यू, क्योंकि दोनों फेल हो जाएंगे, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। D10 में वैल्यू हो जाएगी 0। जीरो पॉइंट फोर इंटू सिक्स प्लस 0.6 × 4, तो जाएगा 0 आंसर। सर यहाँ 6 नहीं है क्या, 0.4 × 6 ना ऊपर ये D9 में। हाँ हाँ, ये देखो 0.4 नीचे वाला है ना, तो नीचे में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो जितने इलेक्ट्रॉन हो सबसे वो डिसाइड होगा। जैसे नीचे 6 है तो ये 0.4 × 6, तो नीचे वाले को मल्टीप्लाई करना जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे 0.4 से, और ऊपर जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उसे 0.6 से, लिख लिया सर। ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑक्टाहेड्रल का, ऐसे टेट्राहेड्रल का निकालना आपने। ऐसे किसका है, टेट्राहेड्रल का। टेट्राहेड्रल में क्या करना है, देखो जैसे मैंने किया आपका ये डी भी वन करना है, बस मैं आपको थोड़ा ये सा कल करें। ऐसे ही बता देता हूँ मैं हल्का सा, आप एक बार खुद बना के देखना, ठीक है। D2, D3 वो इसको मैं ना दिखाना। अभी अच्छा अभी क्लास है आपकी कुछ क्या? नहीं, वो मुझे हेयर कट कराने जाना है, वो दुकान बंद हो जाएगी ना, अच्छा कल ठीक फिर है ठीक स्कूल है नहीं जाने देंगे। ठीक है, चलो कल कल ही करते बाकी ना, ठीक हाँ है फिर वो ना। 2 दिन से कह रहे थे बाल कटा लो बाल कटा लो, चलो चलो ठीक, कोई बात नहीं, ऑफ कर देते हैं ना, ठीक है, थैंक चलो यू सर। ओके कल 5:30 ही करते हैं फिर, ठीक है। 5:30।